नमस्कार दोस्तों, कंचन टीवी की टीम, यो जो सफीदो रोड है, जींद रोड भी कहा जाता है, यहाँ पर शिविर लगाया गया है। बहुत बढ़िया शिविर। शिविर का नाम बताएंगे आपको। बोले राम जय बोलेगी। हाँ भाई, कहाँ से हो? हिसार से। हिसार कब उठाई थी? कल 15 तारीख ने। 15 तारीख को क्या नाम अपना? अमन। अमन अमन बोला हमारे साथ। देव बोला। बोले कहाँ से हो? हिसार से। बोले हिसार से। दोनों हिसार से हो? हाँ। दोनों को 15 की उठाई थी। हाँ। कोई हरियाणा में जैसे कोई दिक्कत नहीं आई शिविर को लेकर या पुलिस प्रशासन को लेकर? नहीं, दिक्कत आई। हमारे साथ और भी बोले हैं, अभी उनसे बात करेंगे। हिसार से बोले। हिसार से। आप कहाँ से? हिसार जिले से। सब हिसार से हो? हिसार से। गांव गुलेरी। गुलेरी। हाँ गुलेरी। जी। हिसार से। सभी हिसार से बता रहे हैं। ये जींद रोड पे रिलायंस पेट्रोल पंप है। रिलायंस पेट्रोल पंप पे ये शिविर लगाया गया है, और ये बाबा जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। कावड़ियों को बड़े अच्छी तरह सजाया गया है, जैसे बोले कुछ विश्राम करे, कुछ कावड़े लेके चल रहे हैं। मम बोले कुछ चल रहे हैं। बोले अब इनसे। जी जी, ये शिविर लगाया गया है। बालाजी का मंदिर आप देख सकते हैं, बालाजी का मंदिर है, और ये कावड़िया यहाँ पे विश्राम करे। अब यहाँ पर अच्छी अच्छी कावड़ लगाई गई है, हरिद्वार से लेकर आए हैं। हाँसी से। हाँसी। हाँसी सिरसा। आ गए आराम चलेंगे अभी तो। दिक्कत नहीं आई? नहीं दिक्कत नहीं आई हमको। सिरसा से। हाँ जी। कब पहुँच जाओगे वहाँ पर? कल परसों से। 25 को पहुँचेंगे। हरिद्वार का एक नंबर रोड बना रखे जी। बिल्कुल। प्रशासन कैसा हरिद्वार का? एक नंबर का जी। बिल्कुल हरियाणा का प्रशासन ही बढ़िया। एक नंबर का खराब है जी। खराब है। बिल्कुल खराब जी। क्या कह रहे हो आप? उठ के कौन देखा है? पड़े जावे सारी आने। जीरो हरियाणा के। क्या कह रहे हो आप? जीरो जीरो। और यूपी के एक नंबर, योगी एक नंबर का। क्या कह रहे हो? हरियाणा का प्रशासन अच्छा नहीं है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया जी। हरियाणा का कौन जी? बढ़िया नहीं है जी। हरियाणा यूपी का बढ़िया। एक नंबर का बढ़िया जी। हरिद्वार का इसलिए बढ़िया क्योंकि रात को भी वो SHO है, और जो प्रशासन है वो हर प्रकार से सबकी मदद करते हैं। वो व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ अगर कावड़िया किसी रास्ते पे अगर नाके में पुलिस खड़ी है ना, तो कावड़िया की ये नहीं है भी अगर साधन कावड़िया टप्पर है तो साधन की वो देख रेख कर सके। और भाई साहब हरिद्वार से लेके जमुना तक लाइट है जी। बिल्कुल। और नया रोड बना रखे जी। बिल्कुल साफ सुथरा, सफाई सफाई और सब कुछ बढ़िया काम है जी यूपी में। इस शिविर को भूतेश्वर सेवा संघ जो जिंदगी है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया इसको। यहाँ पर काफ़ी भीड़ में कावड़ी हैं, काफ़ी सभी कावड़ी यहाँ पर। मैं सभी को दिखाऊंगा आपको बारी बारी। ये सभी कावड़ी हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। दूर दूर से आए। कहाँ से आप? हिसार से बोले ना। हिसार से हो? हाँ जी। कावड़ कब उठाई थी? मैंने उठाई थी 17 को रात को। ये तो त्रिशूल लेकर आया है। ये खड़ी कावड़ है साहब। जी जी जी। ये बोले बोले बाबा हैं, त्रिशूल उठाए हैं, फ़ोन पे बिजी हैं। अब काफ़ी हैं बोले, यहाँ भी हैं कुछ बोले। थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। थके हुए बोले आराम कर रहे हैं। बिल्कुल थके हुए बोले आराम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं अच्छी है। इस शिविर को बहुत प्यारे ढंग से अच्छी तरह से सजाएगा। यहाँ भोले बाबा जो बोले कावड़िए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, आराम करे बैठे हैं यहाँ पे, विश्राम के लिए बैठे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं यूपी की पुलिस सही, हरियाणा की पुलिस पे सवाल उठाया है। भाई हरियाणा की पुलिस सही नहीं है, यहाँ की रोड भी सही नहीं है। जय भोलेनाथ। हरियाणा की पुलिस एकदम खराब है। बोले देखिए,
बोले जो हमने योगी ने सुविधा दी है उससे बढ़िया सुविधा और कोई दे नहीं पाएगा। हरियाणा में हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जय शंकर की। पुलिस वाले कुछ सुविधा नहीं दे रहे, हरियाणा वाले पुलिस फद्दू है भाई। यूपी पुलिस एक नंबर थी, अपने अंधेरे में भी लाइट लगवा रखी थी। यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है हरियाणा में। ना हमारा कोई स्वागत हुआ ना कुछ हुआ। कि मैं कौन नहीं, खराब माटी धूल माटी है। यूपी के अंदर एक नंबर की सुविधा दे रखी है योगी ने एक नंबर की रोड कर रखे है। रोड पे भी झाड़ू मार के चल रहे हैं। पब्लिक को ऐसे कोई उस साइड में कोई दुखी नहीं हो रहा था। हरियाणा साइड के अंदर अपने वहाँ दुखी हो रहे हैं बहुत। कोई लाइट नहीं है, कोई झाड़ू नहीं है, कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपना हरियाणा के अंदर कोई सुख मिले। और है तो अपना सब हरियाणा के भोले और सब जाएगा भी हरियाणा के अंदर, पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो यूपी योगी ने कर रखी है। बाकी बोल शंकर भगवान की जय। ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे भी उठाया गया है। इन्होंने भोले कावड़ियों ने इन्होंने बताया कि हरियाणा में कोई सुविधा नहीं है प्रशासन को लेकर। शिविर में कैमरे भी लगाए गए, इसमें लिख रहा है कि आप सीसी कैमरे की नज़र में हैं। कैमरे की व्यवस्था भी, कैमरे कहाँ ये देखने वाली कैमरे यहाँ लगा रखे हैं। जी जी जी। और ये डॉक्टर की भी सुविधा यहाँ पर है, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये दवाई की सुविधा यहाँ पर अच्छी अच्छी देख सकते हैं आप। ये काफ़ी दवाई अच्छी है, पट्टी लगा रखी है। और अश्वनी नाम है मेरा जी, पिल्लूखेड़ा से जी। कैसा महसूस होता आप लोगों को कावड़िया की सेवा करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जी, बहुत अच्छा फील महसूस करते हैं जी। हाँ जी। कितनी सेवा में कितने यहाँ पर टोटल आपकी सेवा में यहाँ पर क्या के लिए? सेवा के लिए आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप डे नाइट करते हो या नाइट की अलग होती है दूसरे की? नाइट की अलग होती है जी, डे डे। मैं आपको दूसरी वीडियो में भोड़ों को डांस दिखाऊंगा और अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था। ये अपने इसको ऐसे क्यों खिला रहे आप? इसको ऐसे ये झूठा छोड़ रहे हैं जी, और झूठा छोड़ना अन्न का अपमान है। ये सब भोड़ों के लिए लगा रखा, अगर यही झूठा छोड़ेंगे तो खाओगे कौन? सेवा के लिए बैठे हैं, धन्यवाद बोले। भंडारे की व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से की गई है, आप देख सकते हैं। अच्छी सब्जी बनाई गई है भोड़ों को लेकर। कोई दिक्कत नहीं है भोड़े? हाँ ठीक है भंडारा। तो खुश हो भोड़े? जी जी, काफ़ी खुश हैं। कंचन टीवी की टीम यहाँ पहुँची है, भूतेश्वर संघ सेवा कावड़ जो ये जींद वालों ने शिविर लगवा रखा। और कंचन टीवी से मैं संजय लड़वा, कंचन टीवी न्यूज चैनल चंडीगढ़। मैं हिसार से हूँ और मैं मतलब मेरी ये तीसरी कावड़ है पहली बार। और अब की बार है ना, देखा है मैंने यूपी में, उत्तराखंड में बहुत सी जगह हर मतलब पुलिस का है ना, हर जो गली आती है उस पर हर पुलिस वाला है। योगी सरकार की तरफ से हर सुविधा, हर मतलब जगह जगह बल्ब है। ये नहीं भी कहीं भी मतलब 1% भी खतरा हो। और हरियाणा में एक ऐसा है कि पंजाब आप पानीपत के अंदर बढ़ते ही है ना, पुलिस है बैठी है, बस कोई मतलब नहीं है उसको। पानीपत के अंदर निकल रहे बंदे, इतना गड्ढा है, कुछ भी मतलब कार्ड गिरो या कोई मतलब नहीं है हरियाणा सरकार को। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा क्योंकि हरियाणा सरकार बिल्कुल निकम्मी है। हरियाणा पुलिस वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो एक साइड में अड़ रहे हैं, आगे कावड़िए है ना, उनके कावड़ अछूत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कावड़ का कोई 1% भी वो नहीं है भाई, ये सेफ्टी से कार्ड जा रही है या नहीं जा रही है। और वहाँ है ना यूपी के अंदर अगर मंत्री की गाड़ी आ रही है ना तो वो भी रोक देते हैं कावड़िए को निकालने के लिए। और यहाँ बिल्कुल भी 1% भी। और एक हर जगह 500 मीटर पे पानी पीने के लिए जगह है, यहाँ कुछ एक घड़े तक का प्रबंध नहीं है। इससे बड़ी दुख, पहले हम ये सोचते थे हरियाणा सबसे टॉप है, लेकिन आज मैं ये पक्का कहता हूँ कि यूपी टॉप है। थैंक यू। योगी सरकार क्या सही कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हैं। क्या बोले भोले बाबा के सही बात है? बिल्कुल योगी ने सही काम कर रखा है भोले, हरियाणा में इतना अच्छा काम नहीं है। सही बात है, हरियाणा में नहीं है भोले सुविधा। हरियाणा में कोई सुविधा नहीं मिली हमको। हरियाणा में कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली सर हमें तो कोई सुविधा नहीं, जैसे यूपी में सुविधा रखा भोले सस्ता नहीं मिल रहा है। योगी ने बढ़िया काम कर रखा है। ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा है हरियाणा में, आप देख सकते हैं। एक अपंग बोला, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं कि हौसला बुलंद, हौसला बुलंद। कहाँ से आप?
गांव डाबड़ा से सार जिला। क्या नाम भाई अपना? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, कोई दिक्कत तो नहीं हरियाणा में? पूछते ही हरियाणा में दिक्कत है जी। पुलिस प्रशासन कोई है कौन? जी यूपी में पुलिस प्रशासन इतनी सेवा करिए, अपना प्रशासन उनसे शिक्षा लेनी चाहिए जी, बहुत शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मचारी तक लेके और पुलिस प्रशासन तक, और कोई दिक्कत कौन जी बस। ये भाई आप भी नाराज हो पुलिस प्रशासन से? हरियाणा तो है नाराज, हरियाणा तो नाराज है, पुलिस प्रशासन पुलिस हरियाणा सरकार से नाराज। इसमें क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा ने सब घटिया काम कर रखी है, हरियाणा सरकार, योगी सरकार ने बढ़िया काम कर रखे है, बहुत बढ़िया काम कर रखे है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की। इधर भी है, फिर पता ही है, रोड वगैरह थोड़ा छोटे छोटे रोड है यहाँ पे बीचों में भोलेनाथ के, वहाँ पे पूरे खुले अलग रास्ता दे रखे, कावड़ी होगा भोलेगा बोले। हाँ जी बोले। हिसार से बोले। हाँ जी। सुविधा अच्छी है यहाँ पर पुलिस की? हरियाणा पुलिस हरियाणा की कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, यूपी के अंदर बहुत बढ़िया सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है, साधनों की, पुलिस की, बहुत पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रोड पे ऐसे बड़े साधन चलते हैं, कोई साइड रोड निकाल रखा, कुछ और नहीं निकाल रखा, पीछे से कोई टक्कर मार गया तो मर गया तो मर गया, कोई रात को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई रोड चोट नहीं होती, कोई पुलिस वाला चक्कर नहीं मार के पूछता क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे चोरियाँ होती है, किसी के फ़ोन उठ जाते हैं, किसी की कावड़ी उठ जाती है, इतनी दूर से बेचारा लेके आता है, इतनी 400 किलोमीटर दूर से या रास्ते में आते हैं उसकी हरियाणा तक कावड़ी उठ जाती है, यूपी में तो कभी नहीं हुआ, 18-19 साल हो गए कावड़ लाते हुए हमें, आज तक नहीं हुआ, हरियाणा में बढ़ते ही होता है, फ़ोन चोरी हो जाएंगे, फ़ोन चार्ज लगा दे 10 मिनट के बाद फ़ोन नहीं मिलेगा, कावड़ दुला के आ गए तो कावड़ नहीं मिलेंगी आपको, ऐसे कोई माला निकाल ली या बैग चोरी कर लिया, सुत्ते की सब कुछ ही निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है हरियाणा के अंदर, यहाँ हम भी हरियाणा के हैं इस आज जिले के, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, काफ़ी निराश है। शंकर भगवान की जय। हिसार हरियाणा। क्या यूपी में हरियाणा में कुछ सुविधा है अंतर? अंतर तो जी प्रशासन बहुत था, अब की बार यूपी के अंदर बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और हरियाणा का? हरिद्वार से चल के और जमुना ब्रिज तक लाइट का पूरा प्रबंध था, कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बना रखा था, और यहाँ तो गाड़ी वाले भी नहीं रोकते कावड़ियों को देख के, वहाँ तो कावड़ियों को देख के एकदम से जाम लग जाता है। फैसिलिटी क्या मिलती है बस चल रहे हैं। हरिद्वार में ज़्यादा जो कि सरकार में कहीं ना कहीं। हाँ बोले क्या कहना चाहोगे यहाँ पर सुविधा? बोले 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 मन नहीं बेटा। बोले कहाँ से आप? हिसार से बोले। हिसार से आप? प्रशासन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत को नहीं बोले। ठीक है कुछ बोले नाराज हैं यूपी सरकार को कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे हैं, और प्रशासन को लेकर हरियाणा प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं कावड़ियों में नाराजगी है। इन्होंने बताया कि कावड़ी की कावड़ हरियाणा में चोरी हो जाती है, फ़ोन उठा लिए जाते हैं और पुलिस जैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती देखती तमाशा। यूपी की पुलिस की बात की जाए, यूपी पुलिस में इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बोले राम राम। बोले प्रशासन को लेकर कुछ बोले नाराज हैं यूपी सरकार को कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे हैं, और प्रशासन को लेकर हरियाणा प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं कावड़ियों में नाराजगी है। इन्होंने बताया कि कावड़ी की कावड़ हरियाणा में चोरी हो जाती है, फ़ोन उठा लिए जाते हैं और पुलिस जैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती देखती तमाशा। यूपी की पुलिस की बात की जाए, यूपी पुलिस में इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बोले राम राम। आप देख सकते हैं इस खबर को ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, यहाँ पर और भी कावड़ियों से बात करेंगे। बोले ना कोई दिक्कत नहीं है। बोले बस पानीपत से निकलते ही दिक्कत आ गई थी, पुलिस प्रशासन तो था ही नहीं बिल्कुल भी, पानी पानी भरा हुआ था पानीपत में। तो क्या क्या कह रहे हो? गोटे गोटे तक पानी भरा था पानीपत में, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से वहाँ पे। हरियाणा में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं, जितनी योगी ने करी है ना इतनी तो कहीं पे भी नहीं है।
1% नहीं हरियाणा में उसकी 1%। वहाँ अलग रास्ते दिए गए कहते कावड़ियों को, यहाँ पे तो ना सीधा चढ़ाने पे आते हैं, कहते ना स्लो कर लो व्हीकल को, छिट्टे लग जाएंगे, तो जानबूझ के तेज लेके जाते हैं लोग। गाड़ी वाला नहीं रोक रहा है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी उसका 1% भी नहीं है, 1% भी। पुलिस का नाका भी लगा रखा है, पुलिस के नाके लगे हैं 2-3 जगह, पर वो वाली बात नहीं है जो वहाँ पे थी, जो सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी कुछ नहीं। वहाँ पे ना पहले कावड़ियों को निकाला जा रहा था, व्हीकल बाद में निकलता, यहाँ पहले व्हीकल को निकालते कावड़ियों को, रुक जाऊँ, उल्टा सिस्टम है यहाँ पे पुलिस। हाँ, जहाँ लोगों ने पंडाल लगा रखे ना, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत नाराजगी है, जितना यूपी गवर्नमेंट ने किया है ना, बाहर की गवर्नमेंट होने के बाद जिसने जितना किया है ना, उसके बाद तो भाई यहाँ वो 1% नहीं है, 1%। बहुत नाराजगी है भाई इस चीज़ के लिए। ठीक है भैया, आपने सुना, एक बोली थी, महिला थी, उन्होंने कावड़ी उठाई हुई थी, ये कावड़ी है यहाँ से, और यहाँ नाका भी नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस की पोल खुलती नज़र आ रही है। ये जींद रोड है और यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है, शिविर लगाया गया, यहाँ स्पीडों से आ रहे हैं, और ये पिल्लू खेड़ा ट्रैफिक पुलिस लिख रखा है, लेकिन पुलिस नहीं है। श्री बुतेश्वर कावड़ सेवा संघ जींद दोबारा है, और यहाँ पर पुलिस की कोई सुविधा नहीं है, इस ये बहुत बड़ी बात है, और इस खबर को ज़्यादा शेयर लाइक करना।